जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारो, अप्रैल का महीना हो गया है खत्म। अप्रैल के महीने में बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए, इसी वजह से ये वीडियो लेट हो गया। हर महीने के मैं 25 या 26 तारीख को अपकमिंग स्मार्टफोन्स का एक नया एपिसोड बना देता था, लेकिन अब तो 30 तारीख तक हो गया भाई, क्योंकि इतने सारे अंधाधुंध फोन लॉन्च हुए। बहुत ही मस्त महीना था। अब मई आने वाला है, मई भी दोस्तों ऐसा ही होगा, कमाल कमाल के बहुत सारे फोन्स लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में और पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। आज मैं सारे स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा जो मई के महीने में लॉन्च हो सकते हैं। चलो शुरू करते हैं जल्दी से। चलो यार, ओप्पो से शुरुआत करते हैं। ओप्पो अपने ओप्पो नैनो 8 सीरीज के स्मार्टफोन्स को मई के एंड तक, नहीं तो मई के मिड तक लॉन्च कर देगा चाइना में, और ओप्पो A57 5G भी इंडिया में आएगा मई के महीने में। इसका नाम चेंज हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर ये स्मार्टफोन। शाओमी की बात कर लेते हैं। शाओमी मिक्स सीरीज के अंदर में अपने एक नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा मई के महीने में। चांसेस बहुत ही ज्यादा है। याद है आपको, शाओमी मिक्स सीरीज के अंदर में अपने पहले फोन को लॉन्च किया था अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये उसका सक्सेसर होगा। और भाई, आपको Xiaomi 12 Lite 5G भी दिखाई देगा मई के महीने में। Xiaomi 12 और 12X कैंसिल हो चुके हैं, वो आपको इतने जल्दी दिखाई नहीं देंगे मई के महीने में। चांसेस थोड़े से कम हैं। मगर क्यों? और आप ये पक्का सुने होंगे कि Xiaomi 12X सीरीज के स्मार्टफोन्स मई में आएंगे। वेल, ऐसे होने के चांसेस बहुत ही कम है। 99.99% चांसेस है कि मई में नहीं लॉन्च होंगे, 1% चांस है कि हो जाएंगे, क्योंकि भाई अभी तक कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह वो क्लियर किए ही नहीं है। आपको तो पता ही है, जब भी कोई फोन इंडिया में लॉन्च होता है तो 2-2.5 महीने पहले ही वो BIS को क्लियर कर लेता है। तो भाई अभी तक तो यहाँ कहीं पर भी हम लोगों को Redmi K50 सीरीज के स्मार्टफोन्स का निशान दिखाई दिया ही नहीं है कि वो इंडिया में एंट्री किए हैं, तो चांसेस थोड़े से कम है। सैमसंग बाबा की बात कर ले तो Samsung Galaxy A73 5G लॉन्च हो सकता है मई के महीने में। इंडिया में नहीं लॉन्च होगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में डेब्यू कर सकता है, अपना मुंह दिखा सकता है। और उसके बाद आ जाता है Samsung Galaxy M23 5G, ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है, और Samsung Galaxy A13 5G भी लॉन्च हो सकता है, और Samsung Galaxy A04S भी। फिलहाल तो Samsung की तरफ से यही इंफॉर्मेशन है। Realme की बात कर ले तो Realme मई के महीने में अपने Realme GT Neo 3T को लॉन्च कर देगा चाइना में, जो Realme का मिड रेंज फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा। ये ऐसा नहीं होगा Realme GT Neo 3 का, ये बस उसका एक अल्टरनेटिव वर्जन होगा। Realme GT Neo 2T को ये देख लो जाके, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया में Realme Narzo 50 5G को लॉन्च कर देगा, जो प्रॉबली Realme Q3i या फिर Oppo A57 5G का रीब्रांडेड वर्जन होगा। दोनों सेम स्मार्टफोन्स हैं, एक्चुअली तीनों स्मार्टफोन्स ही सेम हैं। एंड देन उसके बाद Realme C30 को भी लॉन्च कर सकता है Realme की तरफ से, यही इंफॉर्मेशन है। पोको की बात कर ली जाए दोस्तों, पोको F4 या फिर पोको F4 GT इंडिया में अगले महीने लॉन्च हो जाएंगे मई के महीने में। पोको C40 पोको का एंटी लेवल का बजट कैटेगरी का फोन, ये भी लॉन्च हो जाएगा। बस पोको की तरफ से यही इन्फॉर्मेशन है। हम लोग सोचे थे कि पोको M4 5G अगले महीने यानी कि मई के 1-2 तारीख को लॉन्च होगा, लेकिन ये तो आज ही लॉन्च हो गया, मतलब कि 28-29 तारीख को। iQOO की बात कर ली जाए दोस्तों, iQOO Neo 6 SE ये 6 तारीख को लॉन्च हो जाएगा चाइना में, एंड यही स्मार्टफोन मई एंड तक इंडिया में आ जाएगा iQOO 9T बनके। स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन आए थे कि iQOO Neo 6 इंडिया में आ रहा है iQOO 9T बनके, बट नहीं, चांसेस इसके ज्यादा हैं। खुद ही सोच के देखो, iQOO 9 SE क्या करेगा बैठ के, वहीं आकर बता दूं। आई होप सो कि ऐसा ना हो, iQOO Neo 6 इंडिया में iQOO 9T बन गया जाए। आई होप सो कि ऐसा ही हो, और iQOO U5 सीरीज के स्मार्टफोन शायद आपको दिखाई दे सकते हैं मई के महीने में इंडिया में। Vivo की बात कर ली जाए दोस्तों, Vivo मई के महीने में अपने बहुत सारे फोन्स को लॉन्च करेगा, बहुत ही तगड़े और बहुत ही ऑसम फोन्स को। सबसे पहले वो Vivo S15 और Vivo S15 Pro अपने Vivo S15 सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर देगा। ये वही स्मार्टफोन है जो जुलाई तक इंडिया में Vivo V25 सीरीज के नाम से आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद Vivo X80 सीरीज के स्मार्टफोन्स 18 मई को इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। 4 मई को Vivo T1 4G और Vivo T1 Pro 5G लॉन्च हो रहे हैं। iQOO Z6 और iQOO Z6 Pro के रीब्रांडेड वर्जन होंगे, और भाई वीवो है और भी अपने बजट कैटेगरी के फोन्स को वो लॉन्च करेगा ही करेगा, ऑब्वियस ही बात है वाई सीरीज के अंदर में। फिलहाल तो वीवो की तरफ से यही इन्फॉर्मेशन है। OnePlus बाबू की बात कर ले तो मई के महीने में OnePlus 10 Lite या फिर OnePlus 10, दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है, और Nord सीरीज के अंदर में OnePlus Nord 2T लॉन्च हो जाएगा, जिसका प्राइस होगा 35,000 रुपए के आसपास, 32-35,000 रुपए के आसपास। OnePlus की तरफ से यही इन्फॉर्मेशन है। Motorola की बात कर ली जाए तो मोटो तो भैया आजकल कुछ ज्यादा ही फुल फॉर्म में घूम रहा है, बहुत ही तगड़े तगड़े लॉन्च कर रहा है। सबसे पहले वो ग्लोबली मोटो G82 5G को लॉन्च कर देगा, मोटोरोला का मिड रेंज फ्लैगशिप फोन होगा। फिर उसके बाद मोटो H30 को इंडिया में लॉन्च करेगा, फिर उसके बाद मोटो H30 लाइट को ग्लोबली लॉन्च करेगा। बस मोटोरोला की तरफ से ये इंफॉर्मेशन है। एक और स्मार्टफोन है मोटो E32, ये भी इंडिया में आ जाएगा, मोटोरोला का बजट कैटेगरी का फोन होगा, एंटी लेवल वाला।
टेक्नो की बात कर ले तो टेक्नो पोवा 3 आपको अगले महीने इंडिया में दिखाई देगा, नहीं तो अफ्रीकन मार्केट्स में लॉन्च हो जाएगा। और टेक्नो अपने स्पार्क 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स को भी लॉन्च करेगा अफ्रीकन मार्केट्स में, टेक्नो स्पार्क 9, टेक्नो स्पार्क 9 प्रो और टेक्नो स्पार्क 9T। अब देखो यार, ये जो जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि ये इंडिया में मई के महीने में आ सकते हैं, नहीं तो अफ्रीकन मार्केट्स में तो लॉन्च हो ही रहे हैं। तो यारो, इस वीडियो में अगर आपको किसी भी स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं आपको 2 प्लेलिस्ट का सेक्शन दे देता हूं आई बटन पे, जाके चेकआउट करना। उन दोनों प्लेलिस्ट के ऊपर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, डेडिकेटेड वीडियोस मिलेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं ना, सुफियान भाई मेरे को इस फोन के बारे में जानना है, सुफियान भाई मेरे को उस फोन के बारे में जानना है, तो सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, इन्फिनिक्स की बात कर ले तो ये कंफर्म्ड हो चुका है कि इन्फिनिक्स अपने हॉट 12 सीरीज के स्मार्टफोन्स को मई के महीने में ही लॉन्च करेगा इंडिया में, क्योंकि अभी अप्रैल एंड में वो इन्फिनिक्स हॉट 12 और इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले को लॉन्च कर दिया था अफ्रीकन मार्केट्स में, तो चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि वो लॉन्च कर देगा मई के महीने में इंडिया में। उसके बाद इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो लॉन्च हो जाएगा अफ्रीकन मार्केट्स में, क्योंकि अभी अप्रैल एंड तक इन्फिनिक्स नोट 12 लॉन्च हुआ था, कल परसों लॉन्च हुआ था 27-28 अप्रैल को, तो उसका प्रो वर्जन को लॉन्च करेगा अफ्रीकन मार्केट्स में। तो बस इन्फिनिक्स की तरफ से यही इंफॉर्मेशन है। गूगल की बात कर ली जाए दोस्तों, जी हाँ, गूगल भी अपने एक स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा। गूगल का आयो हो रहा है ना, जहां पर गूगल अपने एंड्रॉइड 13 को अनवील करेगा, अपने अपकमिंग प्लान, प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा। गूगल का स्मार्ट वॉच भी लॉन्च होगा, गूगल पिक्सल वॉच, और गूगल पिक्सल 6a स्मार्टफोन भी लॉन्च हो जाएगा। ग्लोबली लॉन्च होंगे, देन इंडिया में आते आते अगस्त तो लग ही जाएगा। नथिंग की बात कर ली जाए दोस्तों, अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, कार्ल पे कहे थे कि वो अपने पहले फोन को समर्स में लॉन्च कर देंगे, तो गर्मी तो आ चुका है, तो मई में नथिंग फोन 1 भी आ रहा है। मैं इस फोन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, सभी लोग अपना अंदाजा मार रहे हैं, आप भी अपना अंदाजा मारो कि ये स्मार्टफोन कौन से प्राइस रेंज का होगा। मुझे लगता है 40,000 रुपए के प्राइस रेंज का होगा, आप बताना। ZTE की बात कर ली जाए, ZTE भी अपने प्रीमियम फ्लैक्सी फोन्स को लॉन्च करेगा चाइना में, ZTE Xon 40, ZTE Xon 40 Pro और ZTE Xon 40 Ultra। ये वर्ल्ड के सबसे नए स्मार्टफोन्स होंगे, सबसे नए वाले अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ। Redmi की बात कर ली जाए दोस्तों, Redmi Note 12 सीरीज के स्मार्टफोन्स मई के महीने में लॉन्च हो जाएंगे, मई के 8 तारीख के आसपास। देखो यार, नाम कंफर्म नहीं हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि Redmi Note 11 T सीरीज के स्मार्टफोन्स के नाम से आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक नया नाम होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि Redmi Note 12 सीरीज के स्मार्टफोन्स के नाम से आएंगे, लेकिन लॉन्च जरूर होंगे। इंडिया में Poco M4 5G लॉन्च हुआ है ना, तो Redmi भी इसको वापस से लॉन्च करेगा Redmi 10 5G के नाम से, नहीं तो Redmi 10 Prime Plus 5G के नाम से, लेकिन लॉन्च जरूर करेगा। Redmi की तरफ से यही इन्फॉर्मेशन है। तो बस यारो, यही कुछ स्मार्टफोन्स हैं जो मई के महीने में लॉन्च होंगे, और भी स्मार्टफोन्स हैं जो लॉन्च होंगे लेकिन उनके बारे में कंफर्मेशन नहीं आए हैं। नोकिया भी लॉन्च कर सकता है, माइक्रोमैक्स भी लॉन्च कर सकता है, लावा भी लॉन्च कर सकता है। देखो यार, ब्रांड्स के मूड में होता है, वो कभी भी अपने कोई भी फोन को लॉन्च कर सकते हैं। आई होप सो कि आप अपने मनचाहे फोन के लिए वेट करोगे, और आप बताना आप कौन से फोन का इंतजार कर रहे हो, आगे चल के कौन से फोन को खरीदोगे, बताओ यार कमेंट करके, शेयर करो अपने भाई के साथ। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।